हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 जो है आपका चैप्टर 5 मैट्रिक्स, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 5 जो है मैट्रिक्स, उसका कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे कि मैट्रिक्स क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या इक्वल मैट्रिक्स इसे कहते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा एलिमेंट के बीच में। तो ये सब सारी बातें मैंने क्या कर दिया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर दिया था, अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजिली कोई वीडियो पर जंप करके आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सर आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है तो व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट दिए गए हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट दिए गए हैं, तो उस मैट्रिक्स का क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट सपोज दैट आपके पास एक मैट्रिक्स इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से मैट्रिक्स दिया गया, सपोज 2, 4, 6, 8 ये दिया गया मैट्रिक्स, कोई ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के ये 2, 4, 6, 8 एलिमेंट है। तो मैं बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, रो होता है, जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। तो इसमें कितने रो हैं, ये देखिए, ये एक रो और ये एक दो रो है ना। तो रो पहले हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रो लिखते हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और क्रॉस इस तरीके से आ जाता है क्रॉस। ठीक है, अब देखो कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है, तो ये क्या हो गया कॉलम 1, ये क्या हो गया कॉलम 2, तो 2 कॉलम भी है, तो 2 क्रॉस 2, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा यही जो होता है 2 क्रॉस 2, यही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमें यही बताना है अगर 8 एलिमेंट दे दिए गए हैं तो हम उसके ऑर्डर क्या क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। तो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये होता है कि आपको बनाना पड़ता है ऑर्डर कि कितने हो सकते हैं। तो मैं बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स क्या फॉर्मूला होता था, क्या होता था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही तो होता था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या कहता था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता था। तो अब देखो 8 को हम इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से दो फैक्टर में उसके ब्रेक करो तो उसका प्रोडक्ट क्या है, 8 है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, वही जो फैक्टर आप ब्रेक करेंगे ना वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए मैट्रिक्स में, 8 दिए गए, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 लिख देंगे, तो पहला 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, दो फैक्टर, ये हो जाएगा 1 × 8 हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा 1 × 8। अब क्या हो गया, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 क्या हो, रो हो और 8 क्या हो, कॉलम हो, ये एक ऑर्डर बन गया, एक ऑर्डर ये बन गया, एक ऑर्डर और बना दो, 8 और भी ऑर्डर बनेंगे यहाँ पे, एक क्या हो जाएगा 8 × 1 लिख सकते हैं हम 8 को, ये दूसरा ऑर्डर निकल के आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, तो देखो 4 रोज और 2 कॉलम एक इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा, और एक बन जाएगा 2 क्रॉस 4 इस तरीके से। अब कोई 8 का फैक्टर नहीं हो सकता, 8 का दो फैक्टर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इसके अलावा, इन चारों के अलावा और हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक 1 × 8 हो जाएगा, एक 8 × 1 हो जाएगा, एक 4 × 2 = 8, एक 2 × 4 = 8। ठीक है, यही क्या होंगे, यही 8 के फैक्टर ब्रेक होंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, फैक्टर इसका यही ब्रेक होगा, तो यही क्या हो जाएगा उसका ए, वही ये जो होगा यही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स 8 एलिमेंट दिए गए हैं तो ये उसका क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना, तुम अच्छे तरीके से बता दिया, अब निकाल लोगे ना, कोई भी दिया रहेगा, कितने भी एलिमेंट दिए रहेंगे तो आप निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अगर 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है कि अगर 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके यही बताता हूँ। देखो बोल रहा है कि 5 है, तो अब देखो 5 को हम किस तरीके से दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में कितने हैं, 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 × 5, ये पहला ऑर्डर निकल के आ गया, एक ये पहला एक रोज और 5 कॉलम होगा वो मैट्रिक्स होंगे। दूसरा एक क्या होगा, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 5 रो होगा एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, तो ये दो ऑर्डर, मतलब ये 5 अगर एलिमेंट है कोई भी मैट्रिक्स में, अगर 5 एलिमेंट दिए गए हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 × 5 और 5 × 1 हो सकता है। बात समझ में आया, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू आई जे, ए इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट जो दिया है वो जनरल फॉर्म में दिया है, ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, कौन सा रो है, जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो वो एक मैट्रिक्स दिया गया आपका, ये दिया गया है, ये मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, ठीक है, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है। एंड बी इज इक्वल टू क्या दिया गया, एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमें ये बोलना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड a22 + a + b21, ये फाइंड आउट करनी है। देखो a22 का मतलब क्या, a22 का मतलब ये देखो, a22 का मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है वही क्या हो जाएगा, a22 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में क्या है, ये एलिमेंट है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो कहलाएगा यही कहलाएगा a22 कहलाएगा, ठीक है। b21 मतलब क्या, मैट्रिक्स बी में सेकेंड रो में कॉलम फर्स्ट पे कौन सा एलिमेंट है, तो देखो सेकेंड रो में देखो b2 है ना, तो 2 रोज और कॉलम क्या है 1, ये कॉलम 1 हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये b21 कहलाएगा, ठीक है। दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट ये है, तो अब इन दोनों का सम क्या आएगा वही हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो a22 दिया है आपका 4 दिया है और b21 आपको दिया गया है कितना, -3 दिया गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 4 + -3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका, इस तरीके से आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड बोल रहा है कि a11 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 दिया गया है, ठीक है। b11 क्या है, फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम, तो क्या है b11 क्या दिया गया, 2 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे a22 सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम, तो 4 दिया गया है। उसी तरीके से b22 तो सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम, तो ये क्या है, ये सेकेंड रो हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया, तो ये वाला एलिमेंट, तो 4 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a11b11, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + a22b22, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4, 2 × 4 और ये 4 × 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 इज योर आंसर, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियो की मदद से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर थ्री ये दिया है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×4, एक ए मैट्रिक्स दिया है, वो क्या है, 3×4 का है। इफ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ ए, R1 क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट रोज ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट कर रहा है। एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकेंड कॉलम, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स R1 एंड C2। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स R1 का और C2 का, मैट्रिक्स R1 का और C2 का क्या होगा, ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो देखो मैं इसको अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन आपको ये दिया है ना, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, गिवन हमें डाटा ये दिया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या दिया है, 3×4, मतलब उसमें क्या है, 3 रोज है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो तुम, देखो इस तरीके से, आसानी से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से ड्रॉ कर लो, 3 रो बना दो और 4 कॉलम बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन जो आएगा a11 a12 a13 a14, यही तो आएगा एलिमेंट का, पहला रोज फर्स्ट रोज में कितने होंगे, 4
चार कॉलम होगा तो कॉलम बना दिया और रो नंबर ये एक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ए टू वन आ जाएगा, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, बोला है ना चार कॉलम है, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, कॉलम नंबर फोर। यहाँ पे ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर, ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से बना लो, आर वन, आर टू, आर थ्री, तीन रोज है और चार कॉलम है, तो सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर। समझने के लिए ये सी वन, सी टू, सी टू फोर लिख दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके करके लिखोगे तो ए वन वन आएगा, यहाँ पे ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ठीक है, बात समझ में आ गया। इस तरीके से अब बोल रहा है ना कि आर वन और सी टू दो मैट्रिक्स बन रहा है, उसके ऑर्डर बताइए। तो अगर आर वन की बात करूँ, फॉर आर वन के लिए, फॉर आर वन मैट्रिक्स, फॉर आर वन मैट्रिक्स के लिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो बोल रहा है कि बस आर वन होगा, बस R1 के लिए ऑर्डर क्या होगा, R1, R1 के लिए ऑर्डर क्या होगा, बस R1 के लिए। तो देखो बस R1 के लिए लोगे तो बस इतना ही तो लोगे, बस R1 के लिए लोगे तो इतना ही तो लोगे, इतना ही तो पार्ट लोगे। तो R1 में देखो, R1 क्या है, एक रोज है, तो रो क्या हो गया, एक हो गया, लेकिन कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार, चार कॉलम है, तो वन क्रॉस फोर हो जाएगा इसका। R1 के लिए, R1 मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, ऑर्डर उसका वन क्रॉस फोर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फॉर C2 के लिए, अगले हम फॉर C2 के लिए, C2 के लिए हम ऑर्डर निकालें, C2 के लिए हम ऑर्डर निकालते हैं, तो C2, C2 के लिए देखो ये वाला पार्ट लेंगे हम, C2 के लिए, C2 के लिए क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। तो जब C2 के लिए ये वाला पार्ट लोगे तुम, तो C2 में कितना हो रहा है, रो कितने हो रहे हैं, एक रोज, दो रोज, तीन रोज, तो रो कितने हो गए, तीन। कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है C2, तो थ्री क्रॉस वन हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो C2 के लिए ऑर्डर क्या होगा, थ्री क्रॉस वन, और R1 के लिए क्या होगा, वन क्रॉस फोर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें ऑर्डर बताना था, हो गया सॉल्व, समझ में आया बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया था, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। बोला कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, दो रो होगा, तीन कॉलम होगा, एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ए जो आपका जनरल फॉर्म में दे दिया गया है मैट्रिक्स का, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे सिंपल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ना कि ए क्या है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, और आई जे क्या बताता है, पोजिशन को बताता है, आई बताता है नंबर ऑफ रोज और जे बताता है कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो ये बात याद रखना हमेशा, हुज एलिमेंट ए आई जे इस फॉर्म में है, आर गिवन बाय, जो एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का इस फॉर्म में दिया गया है एलिमेंट उसका, कि ए आई जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे, दूसरा है टू आई इंटू टू आई माइनस जे, इस तरीके से एलिमेंट दिया गया है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, टू क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स कैसा होगा, जनरल फॉर्मेट क्या होगा उसका टू क्रॉस थ्री का, ठीक है। उसके बाद से हम मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एलिमेंट, जो मैट्रिक्स का एलिमेंट का कंडीशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे। तो देखो पहले हम टू क्रॉस थ्री का क्या करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो हम इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो इसका सोल्यूशन देखो, हमें गिवन डाटा दिया गया है कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है वो क्या है, टू क्रॉस थ्री, मतलब उसमें दो रो है और तीन कॉलम है, ये क्या डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, ये क्या करता है, कॉलम को, तो दो रो है और तीन कॉलम है। तो यहाँ पे एक हम जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए जो आपका दिया गया है, जनरल मैट्रिक्स वो क्या है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, तीन कॉलम है तो तीन तक जाएंगे, दो रोज है तो दो ही तक जाएंगे, ये टू वन, ये ए टू टू, और ये ए टू थ्री, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन गया, ये जनरल मैट्रिक्स बना दिया हमने, टू क्रॉस थ्री का जनरल मैट्रिक्स बन गया। अब इस एलिमेंट का जो कंडीशन दिया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई क्रॉस आई इंटू जे दिया गया है, आई इंटू जे दिया गया है, मतलब पहला जो एलिमेंट आएगा ए वन वन, तो आई और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन वन है, वन वन है, यहाँ पे क्या है, आई और जे की वन टू वैल्यू है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे कंडीशन को, जो कंडीशन दिया गया है, और हमारा से क्या होगा, मैट्रिक्स से एलिमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का मैं एलिमेंट यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ए वन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन इंटू वन हो जाएगा, देखो आई की जगह पे वन है, जे की जगह पे वन है, तो यहाँ पे आई की जगह पे वन और जे की जगह पे, तो वन इंटू वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, इस तरीके से देखो वन एलिमेंट आ गया, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट निकल के आ गया, जनरेट हो गया एलिमेंट, पहला एलिमेंट निकल के आ गया मैट्रिक्स का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले सारा एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद से उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं निकालूँ ए वन टू,
A12 तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या है I into J है तो 1 into 2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। उसी तरीके से A13 की वैल्यू निकालो तो 1 into 3 वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। उसी तरीके से A21 निकालो तो 2 into क्या आ जाएगा 1 वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। A22 मतलब 2 into 2 क्या आ गया वैल्यू 4 आ गई। A23 वैल्यू क्या आ जाएगी 2 into 3 क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरीके से सारा एलिमेंट हमने निकाल लिया, सारा एलिमेंट क्या निकाल लिया मैट्रिक्स का हमने निकाल लिया। अब सिंपली क्या करो इसे मैट्रिक्स में उठा के पुट कर दो, मैट्रिक्स में क्या करो यहाँ यहाँ जो जो पोजीशन है वहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो आपका बन के आ गया A11 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा। A12 की वैल्यू क्या है आपका 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। A13 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। A21 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। A22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। A23 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका मैट्रिक्स निकल के आ गया, फाइनल मैट्रिक्स जो निकल के आ गया ये निकल गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हर एक मैट्रिक्स ए का एलिमेंट क्या हो रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले क्या करिएगा एक फॉर्मेट बना लीजिएगा इस तरीके से और जो कंडीशन दिया गया है साइड में इस तरीके से उसके एलिमेंट निकाल लीजिएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग और लास्ट में आप मैट्रिक्स जो जो एलिमेंट है वहाँ पे पुट कर देंगे आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। और एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इसी का और 4th का 2 ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो इसको क्या वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। देखो तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तभी भी कोई भी डाउट है परेशानी है तो क्या करिए मेरा इंस्टा आईडी दिया गया उस पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं वहाँ पे और कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। तो जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी मैं बता सकता हूँ अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो, और ज़्यादा बड़ा डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये तो ऐसे ही रहेगा कंस्ट्रक्ट 2x3 का जनरल मैट्रिक्स है यही बनेगा। अब इस कंडीशन को अप्लाई करना है, एलिमेंट का कंडीशन क्या होगा ये है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, तो 2 × 1 − 1 तो क्या हो जाएगा 2 − 1 वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। उसी तरीके से A12 की वैल्यू मतलब क्या 2 × 1 − 2 तो 2 × 1 = 2 और −2 क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से A13 तो 2 × 1 − 3 2 × 1 = 2 और −3 मतलब क्या −1 वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम निकाल लेंगे इस कंडीशन में, पुट करेंगे आई और जे की वैल्यू और निकाल लेंगे एलिमेंट, निकल गया। उसी तरीके से और निकाल लो भाई यहाँ पे क्या A21 तो आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 × 2 − 1 तो 4 − 1 वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। A22 तो 2 × 2 − 2 तो 4 − 2 वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। A23 मतलब 2 × 2 − 3 वैल्यू क्या आ गई 4 − 3 वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। ठीक है बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब सारी वैल्यू उठा के क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, तो मैट्रिक्स ए जो आपका जो जनरेट हो जाएगा इस तरीके से A11 की वैल्यू क्या है 1 है, A12 की वैल्यू क्या है 0 है, A13 की वैल्यू क्या है −1 है, ठीक है −1 है। उसी तरीके से A21 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, A22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। A23 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 23 की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये क्या आ गया आपका मैट्रिक्स निकल गया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो उसको क्या करिए वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं वो 2 क्वेश्चन आपको से ट्राई करेंगे, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, सेम यही ट्रिक अप्लाई करना है, तो मेथड अप्लाई करना है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स AIJ होज एलिमेंट AIJ आर गिवन बाय, मतलब एलिमेंट उसका दिया गया है कि एलिमेंट का कंडीशन क्या है मैट्रिक्स का, तो दिया गया है यहाँ पे देखो ऑर्डर 2x2 का दिया गया। तो पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं कि आपको डाटा क्या गिवन दिया गया है। देखो गिवन आपको दिया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 2x2 मतलब 2 रो है और 2 क्या है कॉलम है, 2 रो है और 2 क्या है कॉलम है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर लेते हैं एक जनरल फॉर्मेट बना लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स क्या होगा, जनरल मैट्रिक्स क्या होगा 2x2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे जो जनरल मैट्रिक्स होगा
जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 वो क्या होगा, वो देखो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये A11 A12 ठीक है, A21 A21 और A22 इस तरीके से देखो, यहाँ पे रो वन कर दो, यहाँ पे रो टू कर दो, यहाँ पे C1 कर दो और यहाँ पे C2 कर दो, भाई दो रो है और दो कॉलम है, तो इसको इस तरीके से प्रोडक्ट कराओ, क्रॉस के फॉर्म में लिखो, A11 A11 आ जाएगा यहाँ पे, A12 तो A12 आ जाएगा, यहाँ पे 21 तो यहाँ पे A21 आ जाएगा, A22 तो A22 आ जाएगा, मतलब ये जो है ना, ये जो रो जो आएगा इस कॉलम के साथ भी जाएगा और इस कॉलम के साथ जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, अगर लिखने नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए बताया था कि कैसे हम इस पोजिशन को लिखते हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट निकल गया कि इस टाइप का मैट्रिक्स क्या होगा, 2x2 का। अब यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, आई को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, जे को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड क्या करता है, जो सेकंड जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आई है 1 और जे क्या है 1, तो इस पोजीशन को, अगर ये पोजीशन को एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, ये इस कंडीशन में इसको क्या करो, उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 / 2, वैल्यू इज -1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है। इसमें भी जो क्वेश्चन है 5 में जो हार्ड वाला क्वेश्चन दिया गया ना, वो मैंने लिया, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, इजी वाला मैंने छोड़ दिया है, तो इसी फॉर्मेट में भी इजी वाला ही होगा, जब हार्ड कर लोगे तो इजी वाला तो कर ही लोगे आसानी से, ये आपको CBSE 2002 में पूछा भी गया है और NCERT एग्जाम्पल भी है, तो ये बता दूंगा, तो जो इसमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया उसको भी आप सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई, उसी तरीके से A12 की वैल्यू में निकालूं तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 और 2 की जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ पे जब मैं होल स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 और -3 का होल स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा वैल्यू, 9/2, ठीक है। तो A12 की वैल्यू ये आ जाएगी, बात समझ में आया, बात समझ आया कि नहीं आया ना। अब उसी तरीके से हम क्या लिखा लें, 21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ A21, तो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 2 - 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 और 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 2 - 2 × 2 / 2, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा, 4, तो 4 - 2 करोगे, 2 - 4 करोगे तो क्या होगा, -2 और -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इस तरीके से। अब क्या करो, सिंपली जो जो एलिमेंट आ गया इस बॉक्स में पुट कर दो, उस पोजीशन में पुट कर दोगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x2 का मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो लो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, स्पेस कम है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आ जाएगा, A11 की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, A12 की वैल्यू क्या आ गई है, 9/2, तो यहाँ पे 9/2 वैल्यू आ जाएगी, A21 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, A21 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, A22 की वैल्यू क्या दी गई, 2 आई है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट करो स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 5th दिया गया है, 5th का 5th ये थोड़ा मॉडुलस फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सेम उसी तरीके से होगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरल एक फॉर्मेट बना लेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे, ऑर्डर 2x2 का क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, A11 A12 A21 A22 A21 A21 और A22, इस तरीके से जनरल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे A11 एलिमेंट, अगर निकालते हैं A11 एलिमेंट निकालते हैं तो ये कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 3 × 1 मॉड और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड इस तरीके से लगेगा, ये -1 और मोड आ जाएगा, तो मोड में कोई भी माइनस नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/2 आ जाएगा, बात समझ में आया।
उसी तरीके से A12 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 आ जाएगा, और माइनस 4 आ जाएगा तो माइनस 4 आएगा तो मोड में तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ तो उतनी बात तो समझ ही लोगे, बस कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे ए 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 1 2 into 2 माइनस 3 into 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मोड में है, तो 2 2 जै 4 और माइनस 3 तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ए 21 की वैल्यू आ जाएगी। ए 22 की वैल्यू क्या आ जाएगी मोड 2 into 2 माइनस 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4 minus 6 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज मोड में क्या आएगा माइनस 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी वैल्यू हमने निकाल दिया, अब सिंपली क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, जनरेट जो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, जो मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, वो क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 1/2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 1 आई है, इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, तो उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ और बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके पहले स्टूडेंट क्या कर लो, नोट कर लो स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया कि AIJ = E^2IX (sin XJ) दिया गया है, ठीक है। तो पहले हमें ऑर्डर दिया है 2x2 मैट्रिक्स का, तो एक जनरल मैट्रिक्स हमें बना लिए, जो जनरल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2 का, कैसा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। A11 A12 A21 A22, इस तरीके से एक जनरल मैट्रिक्स बन गया 2x2 का। अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, इस तरीके से हमें IJ की वैल्यू पता चल जा रही है। तो यहाँ से हम हर एक एलिमेंट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये एलिमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E^2 I की जगह पे क्या हो जाएगा 1 into x हो जाएगा, sin XJ की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई E^2 (sin X) आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसी तरीके से A12 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा E^2 (2 I) की वैल्यू 1 आ जाएगी और x इसी तरीके से रहेगा (sin X)(J) की जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, हो जाएगी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा E^2 (2X) (sin 2X) हो जाएगा, इस तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसी तरीके से A21 की वैल्यू निकालूँ तो E^2 क्या हो जाएगा E^2 (2 I) की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और x तो इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sin X (J) की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E^4X (sin X) इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से E^2 अगर मैं 2 A22 निकालूँ A22 एलिमेंट निकालूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E^2 (2 J) (I) की वैल्यू 2 हो जाएगा (X) हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin X (J) की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E^2 (4) हो जाएगा, तो यहाँ पे E^4X और sin 2X हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, दिखेगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सारे वैल्यू को क्या करो, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज कर दो, ये जो जो वैल्यू A11 A12 A21 A22 की जगह पे क्या कर दो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ, मैट्रिक्स A = आ जाएगा यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी E^2 (2X) (sin X) हो जाएगा, A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी E^2 (2X) (sin 2X) ये वैल्यू आ जाएगी, A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी E^4X (sin X) ये आ जाएगा, ठीक है। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी E^4X (sin 2X) ठीक है, ये हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स और देखो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो क्या है, एक सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है।
सिंपली मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस में जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो मैं सीधे क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको क्या हो जल्दी जल्दी थोड़ा एक्सरसाइज भी खत्म हो जाए। तो इसलिए जो सिमिलर क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है और 7 जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे आईडी दी गई है, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी डाउट है मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं डायरेक्ट में क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, बोल रहा है कि फाइंड एक्स 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 वाई ए एंड बी, इन सब वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है इफ इफ अगर दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे दे इस तरीके से, 3x + 4y, ये एक दिया है x - 2y, ठीक है, a प्लस बी यहाँ पे दिया गया है 2a - b, यहाँ पे दी गई है -1, इस तरीके से दी गई है इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है 2 2 4 5 -5 -5 -1, इस तरीके से दी गई है मैट्रिक्स, ठीक है, 2 2 4 -5 ये दिया गया है, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है। तो हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने बताया था दो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं तो क्या उसकी कंडीशन होती है, दो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2x3 है, यहाँ भी क्या है 2x3 है, सेम ऑर्डर है दोनों का, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, इक्वल होता है, क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 4y इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, x - 2y इस एलिमेंट के इक्वल ये एलिमेंट होगा इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a - b इक्वल टू -5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर सकते हो, इन सब इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड लगा के हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पे कैसे, इन दोनों इक्वेशन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2a - b इज इक्वल टू 5 + -5, ठीक है, ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई, तो b की वैल्यू निकालना हो तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो, बाई पुटिंग a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो a की इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 5, तो a की 0, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 5, यहाँ से हमने डिटरमाइन कर लिया। अब क्या करो, अब हम x और y की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो कैसे डिटरमाइन होगा वो भी देख लो, ठीक है। अब कोई भी मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस करता हूँ, देखो क्या करो ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक्स के कोफिशियंट को सेम करते हैं, एक्स को कोफिशियंट को सेम करते हैं, तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या वैसे नहीं सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से एक्स इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हो, 4 + 2y हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 से क्या हो जाएगा, 4 + 2y हो जाएगा, और इस x की वैल्यू क्या कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 + 2y + 4y = 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y + 4y = 2, तो 6 + 10 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देखो बताता हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10y और उसको उधर ले जाओगे, इसको उधर ले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा।
तो 10y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अब y की वैल्यू क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 निकल के आ गई। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, a इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड b इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये क्या आपका आंसर है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है यही कंसेप्ट लगने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, और ए और बी और सी की वैल्यू, जो भी वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 यही सब कंसेप्ट लगेगा, 13 भी यही कंसेप्ट लगेगा, 14 भी यही सब कंसेप्ट लगेगा। तो इतने सब जो क्वेश्चन नंबर 14 तक है आप वो खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है भाई, इसी तरीके से वैल्यू निकालना है, कोई भी दूसरा कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला है। तो आप सिमिलर क्वेश्चन तो खुद से ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम करना है, सेम निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो सेम क्वेश्चन है भाई साहब, सेम इसी तरीके से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 17 से जो बाकी क्वेश्चन दिए गए उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर होता है तो क्या कर लीजिएगा, आप मेरे इंस्टा आईडी पे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे इंस्टा आईडी दिया गया है, या कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करो, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हेल्प मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हमारे चैनल से बच्चे जुड़ सके, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे।